हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज हाउस, मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज से हम जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस जीएस की सीरीज में सबसे पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर साइंस, फिर पोल साइंस, इसी तरह से पूरे जीएस को कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये जीएस सीरीज का पार्ट वन है और पार्ट वन में सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। देखिए सभी का जो है पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और देखिए सबसे पहले तो इतिहास हम कहते हैं किसे, इतिहास हम उस चीज़ को कहते हैं, इतिहास हम उस समय काल को कहते हैं जिस समय काल के बारे में कहीं पर लिखित विवरण दिया गया हो, चाहे वो अभिलेखों में हो या फिर किसी विदेशियों के द्वारा दिया गया हो। और उस समय काल, जिस समय काल के बारे में हमें कहीं पर भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, उस समय काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में कहां कहां से क्या क्या जानकारी मिलती है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम इसलिए पढ़ेंगे उस चीज़ के बारे में क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे प्राचीन इतिहास का जो स्रोत है, सबसे पुराना स्रोत है, वो है वेद। वेद कितने हैं, वेद से हमारे एग्ज़ाम में क्या प्रश्न निकल सकता है वो हम देखेंगे। देखिए वेद कितने हैं, वेद चार हैं और वेदों के संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण वेद व्यास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वेद कितने हैं, चार हैं। देखिए वेद सभी को पता है कि वेद चार हैं और एक है वेदांग, वेदांगों की संख्या छः है। तो जो प्रश्न जो पूछा जाता है वो वेदांग से पूछा जाता है, तो कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट समझते हैं वेद और वेदांग दोनों एक ही है और वो चार टिक करके आ जाते हैं, तो वेद की संख्या है चार और वेदांगों की संख्या है छः, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। सबसे पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद। देखिए चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सबसे पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना जो है, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी और बाकी बचे तीन वेदों की रचना उत्तर वैदिक कालों में हुई थी। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद से हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा सकता है वो हम देखेंगे। इस वेद में 10 मंडल, 10 सौ 28 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। देखिए बहुत सारे पुस्तक में आपको ऋचाओं की संख्या अलग अलग देखने को मिलेगी, तो आपको ऋचाओं की संख्या से कंफ्यूज नहीं करना है, ऋचाओं की संख्या आपको याद नहीं रखना है, बस मैंने आपके जानने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। और आपको बस मंडलों की संख्या ध्यान में रखनी है कि मंडलों की संख्या ऋग्वेद में कितनी है। देखिए सभी वेद में मंडल है लेकिन मंडलों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो ऋग्वेद के मंडल से ही पूछी जाएगी कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। और इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये भी पूछा सकता है कि गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वेद से लिया गया और ऋग्वेद से लिया गया है। और जिसकी रचना, जो गायत्री मंत्र की रचना ने किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी, ये भी ध्यान रखना है। फिर इसके 10वें मंडल में 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। ये प्रश्न आ चुका है कि ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, ऋग्वेद के किस मंडल में, तो 10वें मंडल में किया गया है। फिर ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। देखिए अभी सरस्वती नदी को खोजा जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि हम सरस्वती नदी को ढूंढ निकालेंगे, अभी सरस्वती नदी के बारे में कुछ अता पता नहीं है और फिर इसको खोज निकालने की प्रक्रिया भी जारी है, अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू होगी अभी कुछ दिन, मतलब भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम इस सरस्वती नदी को ढूंढ निकालेंगे कि ये कहां से कहां तक बहती है और कहां से इसका उद्गम स्थल है। फिर है ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार एवं यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार किया गया है। देखिए ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिसका उल्लेख किया गया है, इंपॉर्टेंट, जैसे ओम शब्द है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अग्नि है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के हिसाब, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है गंगा शब्द और यमुना शब्द। तो ये पूछा जा चुका है कि गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया और यमुना शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है। सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। फिर है देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। देखिए चारों वेद का उपवेद मैं आपको बताऊंगा और चारों वेद के उपवेद से आपको क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर एसएससी हो। देखिए मिलान वाले में आता है, ये यूपीएससी में अगर आता है आएगा तो मिलान वाले में आएगा कि आपको मैच करना रहेगा चारों का उपवेद, और अगर एसएससी वगैरह में आता है तो आपको बस सीधे आएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो बस आयुर्वेद। फिर नेक्स्ट है यजुर्वेद।
यह वेद यज्ञ के नियमों, श्लोकों तथा मंत्र उच्चारण से संबंधित है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ कहानी के रूप में दी गई हुई है या फिर जिस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये हुआ तो ये गद्य के रूप में हुआ, और जो चीज़ कविता के रूप में या फिर दोहा के रूप में दी गई हुई है उस चीज़ को हम लोग पद्य कहते हैं। तो ये मात्र एक ऐसा वेद है चारों वेद में से जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, और इसका उपवेद जो है वो है धनुर्वेद। फिर नेक्स्ट है सामवेद। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और इसका उपवेद जो है वो है गंधर्व वेद। फिर नेक्स्ट है अथर्ववेद। ये सबसे बाद का वेद है, सबसे नया वेद है, और यह वेद जादू टोना या वशीकरण से संबंधित है, और इसका उपवेद क्या है, इसका उपवेद है शिल्प वेद। फिर वेद के बाद आता है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों से क्या प्रश्न आ सकता है, तो पुराणों से ये सबसे पहला प्रश्न कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18 और उपनिषदों की संख्या 160। उपनिषद के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए 18 पुराण में से जैसे अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है हम बस उसी पुराण को पढ़ेंगे। सॉरी तो सबसे पहला पुराण है मत्स्य पुराण। देखिए जैसे सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है ऋग्वेद, उसी तरह से सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए इस पुराण से ये प्रश्न सबसे पहला आ सकता है कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ पे कि हमें इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये पढ़ना है हमको कि मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, किस काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था या प्रथम शासक कौन था, शिमुक था। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि आंध्र सातवाहन वंश का जो इम्पोर्टेंट, देखिए डायनेस्टी वाले में क्या होता है, चाहे वो कोई भी वंश हो अगर थोड़ा भी इम्पोर्टेंट है तो उससे एक ना या बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, या तो पहला वंश जो उसका संस्थापक है, और या तो उसका लास्ट शासक, अगर लास्ट जो राजा है वो उसका अगर इम्पोर्टेंट है तो लास्ट शासक भी पूछा जाता है, और सबसे पहला शासक जो स्थापना जिसने स्थापना की होती है करा होता है वंश का, उससे क्वेश्चन आता ही है, और जो अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर राजा होता है तो उससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आंध्र सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था, शिमुक था। फिर नेक्स्ट है विष्णु पुराण। इस पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश से पहले किसका शासन था, नंद वंश का। मौर्य वंश के बाद किसका शासन आया, शुंग वंश का। तो ये सब ध्यान आपको रखना है। फिर इस वंश का अंतिम शासक था वृद्धत, मतलब मौर्य वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृद्धत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मार दिया गया। इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धत को मार दिया और शुंग वंश की स्थापना की। तो ये भी आप यहाँ से भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको सारा चीज़ ध्यान रखना है कि वृद्धत को किसके द्वारा मारा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है वायु पुराण। इस पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी। फिर नेक्स्ट है उपनिषद। देखिए उपनिषदों की संख्या 108 है, और जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है, जहाँ तक मैंने देखा है कि एसएससी या फिर रेलवे में जो उपनिषद से जो क्वेश्चन आया हुआ, बस यही आया हुआ है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद, और इसी उपनिषद से जो है वो सत्यमेव जयते लिया गया है। तो आपने भी बहुत बार देखा होगा ये प्रश्न कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। और अगर इस तरह से है कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक उस ग्रंथ को कहते हैं जिसका अध्ययन वन में किया जाता है। बस इतना आपको जानने के लिए, आपके जानने के लिए बस आरण्यक से जरूरी है। फिर नेक्स्ट है वेदांग। देखिए मैंने आपको बताया था वेद और वेदांग दोनों अलग हैं। वेदों की संख्या है 4 और वेदांगों की संख्या है 6। वेदांगों की संख्या 6 कौन कौन सी है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। फिर नेक्स्ट है रामायण और महाभारत, दो महाकाव्य हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और रामायण के जो रचनाकार हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत के रचनाकार हैं वेदव्यास। फिर हम पढ़ेंगे लेखकों के विवरण के बारे में।
उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में, लेखकों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे, और जब लेखक का नाम आता है और जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, इतिहास जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है हेरोडोटस का, क्योंकि इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फादर ऑफ हिस्ट्री है, फादर ऑफ हिस्ट्री इसे कहते हैं हेरोडोटस को, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिस्टोरिका। इस पुस्तक में भारत और फारस के बीच में संबंधों को दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट है मेगास्थनीज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ है क्वेश्चन, वो आया हुआ है कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडिका। लेकिन और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और क्या पूछे जा सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए मेगास्थनीज से ये प्रश्न आता है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये किसका राजदूत था और किसके दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सेल्यूकस निकेटर सेनापति अलेक्जेंडर द ग्रेट का, सिकंदर का, सिकंदर महान का, सिकंदर महान लुई फिलिप का पुत्र था। सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीज का युद्ध झेलम नदी के तट पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर फाहियान से क्या पूछा जा सकता है कि फाहियान जो है वो किसके दरबार में आता? देखिए फाहियान और वेंगसान वेंगसंग जो है दो ऐसे चीनी लेखक हैं जिससे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है कि आपका फाहियान किसके दरबार में आया था और वेंगसंग किसके दरबार में आया था। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो कि गुप्त वंश का शासक था, और वेंगसंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो है वो विजयी हुआ। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वातापी वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और वेंगसंग के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है सी यू की, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो महमूद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अलबरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कि बहुत बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, और अभी अभी बिहार दुर्गा वाले एग्जाम में भी पूछा जा चुका था कि अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो किताबुल हिंद, या फिर इसे तहकीके हिंद, या फिर इसे भारत की खोज भी कहते हैं, लेकिन आपको बस ये दोनों नाम याद रखना है, किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद, ज़्यादातर आपको तहकीके हिंद ही लिखा हुआ मिलेगा। अलबरूनी किसके साथ आया था और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक? देखिए अलबरूनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहासकार है, क्योंकि इसके द्वारा दी गई जो जानकारी है वो अभी भी इतिहासकारों के लिए एक मानक है। फिर उसके बाद है इब्न बतूता। इब्न बतूता से ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी या कहिए या फिर न्यायाधीश कहिए तो नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया था। फिर नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का सबसे प्रमुख राजा था, और मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने लंपट मूर्ख की उपाधि दी है। देखिए लंपट मूर्ख की उपाधि इसलिए दी गई है, ऐसा नहीं है कि ये सही में लंपट मूर्ख था, लंपट मूर्ख की उपाधि इसे इसलिए दी गई है क्योंकि इसके द्वारा जो है नीति जो अपनाई जाती थी वो कुछ अटपट टाइप की रहती थी। मतलब जैसे अगर राजधानी को अगर दिल्ली में रखना है तो ये तुगलकाबाद लिया जाता था, और जिस पे कर लगाया जाना चाहिए उस पे कर हटा देता था, और जिस पे नहीं लगाया जाना चाहिए कर उस पे लगा दिया जाता था, इसीलिए इसे इतिहासकारों ने लंपट मूर्ख की उपाधि दी है। फिर है निकोलो कॉन्टी। यह 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, और यह इटली देश का यात्री था। तो ये बस ये भी ध्यान रखना है कि ये कब आया था भारत, किसके शासनकाल में आया था, और ये कौन से देश का यात्री था। फिर नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। यह 1442 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो ये ध्यान रखना है कि देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कॉन्टी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक, यह फारस से आया था। फिर है बारबोशा। यह 1515 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था, और यह पुर्तगाल का यात्री था। फिर नेक्स्ट जो ये मतलब कम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये सब भी ध्यान रखना है। प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, तो प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, जो कि भारत के वनों और जानवरों के बारे में इसमें इस पुस्तक में बताया गया है। फिर है टॉलमी। टॉलमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। तो इसी तरह से प्रश्न आता है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है या फिर भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथीशियन सी के लेखक कौन है, तो ये एक अज्ञात नाविक हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, इसके लेखक कोई नहीं है, तीन ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक करके आना है इनमें से कोई नहीं, या फिर अज्ञात नाविक रहे तो अज्ञात नाविक टिक करके आना है। फिर नेक्स्ट है तारानाथ।
इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है कंग्यूर तथा तंग्यूर। तो दोनों पुस्तक में से किसी एक पुस्तक का नाम पूछ लिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। फिर हम पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो हैं वो निम्न हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल राजा खारवेल वंश से संबंधित है। तो इसी तरह से प्रश्न आता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो खारवेल वंश से संबंधित है, या फिर किस शासक से, तो शासक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्र दमन से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, या तो इसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ गया, या तो प्रयाग अभिलेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। देखिए प्रयाग और प्रयाग अभिलेख, अगर कौशाम्बी प्रयाग अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख दोनों एक ही है, जब ये कौशाम्बी में था तब इसे कौशाम्बी अभिलेख, अगर कौशाम्बी अभिलेख से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कौशाम्बी अभिलेख में अशोक टिक कर कहना है कि कौशाम्बी अभिलेख अशोक से संबंधित है और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जो कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। फिर मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख नरेश भोज। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। और देवपारा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। तो ये सब चीज लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में, मतलब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में, जहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न रहता है कि इस इतिहास, मतलब इस साहित्य के या फिर इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो और अगर इससे अगर और डीपली में क्वेश्चन आया तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई हुई है? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य का नाम जो है वो विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है, लेकिन ज़्यादातर आपके एग्जाम में आता है वो आता है चाणक्य नाम या फिर कौटिल्य, और अगर विष्णुगुप्त भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है तीनों एक ही व्यक्ति हैं। और देखिए कौटिल्य ने तीन राजाओं का शासन देखा था। सबसे पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर दूसरा था बिंबिसार, और तीसरा था अशोक। तो अर्थशास्त्र से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कितने खंड हैं? तो इसमें 15 खंड हैं, और यह मौर्य काल की सामाजिक धार्मिक व आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। और इस पुस्तक से हमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के विनाश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है मालविकाग्नि मित्रम। देखिए कालिदास से जो इंपॉर्टेंट चार पुस्तक है उसको याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए मालविकाग्नि मित्रम, बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं जिनके नाम में लास्ट में मौ आता है, लेकिन जो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लास्ट में जो मौ है तो वो पुस्तक जो है वो कालिदास से संबंधित है। तो मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम, ये चारों पुस्तक जो है वो कालिदास से संबंधित है। और मालविकाग्नि मित्रम से एक बार प्रश्न आ चुका है कि पुष्यमित्र शुंग और यवनों के जो बीच जो मध्य जो युद्ध हुए थे वो वहाँ उसकी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक से मिलती है, और जिसके लेखक कालिदास हैं। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम, इन तीनों ग्रंथ के लेखक या पुस्तक के लेखक भी कालिदास हैं। फिर नेक्स्ट है हर्षचरित। देखिए हर्षचरित नाम से लगता है कि इसके लेखक जो हैं वो हर्षवर्धन हैं, लेकिन हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। ये हर्षवर्धन के राजकवि थे, जो कि ये हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देती है, और कादंबरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखिए हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तीन पुस्तक है, तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा हर्षवर्धन से, या तो सीधे तरह से यह पूछ लिया जाएगा कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है और नाम दे दिया जाएगा, और या तो ये इस तरह से प्रश्न आएगा कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं है, ये तीन पुस्तक का नाम रहेगा और कोई एक पुस्तक हर्षचरित रहेगा या फिर कादंबरी रहेगा, जो भी रहे। तो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शी का तीनों पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। फिर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। और फिर दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न कि ये संस्कृत भाषा व्याकरण की सबसे प्रथम पुस्तक कौन है? तो अष्टाध्यायी है, और इस पुस्तक से हमें मौर्य काल से पहले के बारे में जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट है राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, और इसी पुस्तक में जो पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है।
और शुंग इस पुस्तक से हमें शुंग वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, कात्यायन के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना है, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर पृथ्वीराज विजय जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, जयंक के द्वारा लिखी गई है। फिर पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन पे, पृथ्वीराज तृतीय के जीवन पे आधारित है। पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज, इन्हें तृतीय भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय या चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। इनकी लड़ाई मोहम्मद गौरी से तराइन में हुई थी। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में, तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में। इसमें मोहम्मद तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया जयचंद के कारण। फिर नेक्स्ट है, ये चंद्रबरदाई से आता है प्रश्न कि चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था या फिर चौहान वंश का राजकवि कौन था, तो चंद्रबरदाई, जिसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज राशो। फिर कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखी गई है, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा, मृच्छकटिकम शुद्रक के द्वारा और चचनामा अली अहमद के द्वारा। इस चचनामा पुस्तक में अरबों की सिंध विजय का वृतांत दिया गया है। तो ये है हमारे वीडियो का अंत। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।